आप जानते हैं भीमा कोरेगांव के पास वीर सैनिक मूलतः बौद्ध थे। ये इतिहास अक्सर हमसे क्यों छुपाया जाता है? पुरातात्विक और ऐतिहासिक सबूतों के साथ संपूर्ण विश्लेषण जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं जब भी भीमा कोरेगांव के युद्ध पर सोचता हूँ तो मुझे अक्सर एक अंग्रेजी कहावत याद आती है, Until the lion has his own storyteller, the hunter will always have the best part of the story। मतलब साफ है, जब तक शेर का अपना कोई कहानीकार नहीं होगा तब तक शिकारी ही कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा होगा। इस कहावत को अगर हम इतिहास के नजरिए से देखें तो जब तक हमारे महापुरुषों की वीरता की कहानियां घर घर नहीं गूंजेगी तब तक झूठे इतिहासकारों द्वारा निर्मित काल्पनिक पात्रों का ही बोलबाला होगा। आज का मुख्य विषय शुरू करने से पहले भीमा कोरेगांव के युद्ध की पार्श्वभूमि समझते हैं, लेकिन उससे भी पहले कुछ समय के लिए अपने बचपन को याद कीजिए। क्या आपको कभी इतिहास की किताब में भीमा कोरेगांव के युद्ध को पढ़ाया गया? क्यों नहीं पढ़ाया गया? इस प्रश्न का जवाब मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से मिलता है। वे कहते हैं, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। 1 जनवरी 1927 के ऐतिहासिक दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वयं भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर श्रद्धांजलि देने आए थे। बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा कि तुम शूरवीरों की संतान हो, ये कहानी काल्पनिक नहीं है। तथ्य जानने के लिए भीमा कोरेगांव का दौरा करें और देखें कि आपके पूर्वजों के नाम इस विजय स्तंभ पर उत्कीर्ण है, जो इस बात का प्रमाण है कि आप शेरों की संतान हो न कि भेड़ बकरियों की। भीमा कोरेगांव का युद्ध 1 जनवरी 1818 को ब्रिटिश और पेशवाओं के बीच में हुआ था। यह युद्ध अन्य किसी युद्ध की तरह सामान्य तो नहीं था। इस युद्ध में 500 महार सैनिक अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे क्योंकि उनको पेशवाओं ने अपमानित करके वापस भेज दिया था। यही कारण था कि वो 500 महार सैनिक अपने स्वाभिमान के लिए अंग्रेजों के कंधे से कंधा मिला के युद्ध लड़े थे। लेकिन इस युद्ध में किसने कितने मारे ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर मैं अधिक विश्लेषण नहीं करना चाहता क्योंकि भारत में जाति प्रथा के निर्माता जो आज संशोधक बन बैठे हैं, वे कहते हैं कि ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं जो साबित कर सके कि एक विशिष्ट जाति के सैनिकों ने पराक्रम किया था। ऐसे इतिहासकारों को सबूतों के आधार पर दिखा देना चाहता हूं कि वे सैनिक भले ही आपके धार्मिक मान्यता अनुसार शूद्र महार जाति के होंगे, लेकिन वे सारे शूरवीर मूलतः बौद्ध थे और उनके दबे कुचले इतिहास को जीवित करना मैं मेरी नैतिक जिम्मेवारी समझता हूं। भीमा कोरेगांव के युद्ध में अंग्रेजी कप्तान स्मिथ के नेतृत्व में 800 सैनिकों का दल था जिसमें 500 महार सैनिक थे। इन जाबाज सैन्य की बटालियन ने पर्याप्त सप्लाई न होते हुए भी संख्या में ज्यादा पेशवा सैन्य के फौज से सफलता से लड़े। अंग्रेजों के सामने भारी मात्रा में पेशवाओं के 20,000 घुड़सवार, 8,000 पैदल सेना और पर्याप्त साधन सामग्री होने के बावजूद सिर्फ पेशवाओं को वहां से सुरक्षित तरीके से निकलने तक अंग्रेजी फौज को रोक के रखना था। दरमियान भयंकर युद्ध होते हुए दोनों बाजू का अपरिमित नुकसान हो गया। इस युद्ध में पेशवाओं के बचे हुए सैनिक भी रात के अंधेरे में वहां से भाग गए। अंग्रेजों के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसीलिए युद्ध खत्म होने के बाद अपने सैन्य का गौरव करना हर विजेता का फर्ज होता है और भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ यही दर्शाता है। अपने निष्ठावान सैनिकों को उनके दिए हुए बलिदान के लिए उनके सेनापतियों ने मान वंदना देते हुए एक विजय स्तंभ का निर्माण किया। इस स्तंभ पर अंग्रेजी और मराठी भाषा में संदेश लिखा है। ये युद्ध बहुत ही विषम परिस्थितियों में लड़ा गया था और ये बात इस मिट्टी से पैदा होने वाली अगली पीढ़ियों को याद रहे, इसीलिए संदेश को अंग्रेजी के साथ मराठी में भी लिखा गया है। भीमा कोरेगांव युद्ध में 20 महार सैनिक और 5 सेना अधिकारी शहीद हुए थे। इन शहीद महार सैनिकों के नाम उनके सम्मानार्थ बनाए हुए स्मारक पर अंकित है, जो इस प्रकार है: गोपनाक, मोटेनाक, शमनाक, यशनाक, भागनाक, हरनाक, अबनाक, काननाक, गननाक, बालनाक, बालनाक, गोंडनाक, रूपनाक, लकनाक, बीटनाक, रामनाक, बटीनाक, दाननाक, राजनाक, गननाक, बापनाक, हबनाक, रेनाक, जाननाक, सजनाक, यसनाक, गननाक, धर्मनाक, देवनाक, अनाक, गोपालनाक, बालनाक, हरनाक, हरिनाक, जेठनाक, दीनाक, गननाक, लकनाक और बकनाक। इस युद्ध में घायल हुए महार बटालियन योद्धाओं के नाम इस प्रकार है: जाननाक, हरिनाक, भीकनाक, रतननाक, धननाक। और इस ऐतिहासिक युद्ध का नेतृत्व सिद्धनाक, रतननाक और जाननाक जैसे जाबाज योद्धाओं ने किया था।
इन सारे नामों में एक विशेष बात तो जरूर है कि इनका अंत नाक शब्द से होता है, इसीलिए ये उच्चारण में एक समान राइमिंग वर्ड जैसे लगते हैं। इससे ये तो तय है कि ये सारे लोग एक ही समुदाय से संबंधित हैं। इस प्रकार के नाम 18वीं सदी के बाद हमेशा के लिए गुमनाम अंधकार में गायब हो गए। किसी शायर ने सच ही कहा है, नाम में क्या रखा है, लोग तो अक्स भी भूल जाते हैं। इस आधुनिक फैशन के युग में नाम तो आजकल फिल्मों और सीरियल से तय होते हैं, ऐसा लगता भी नहीं कि ये नाम भविष्य में कभी जीवित हो पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतिहास की बातें करते हुए किस नामधारी पहेली में खो गया, लेकिन ये कोई पहेली नहीं बल्कि इसी नामों में इतिहास छुपा हुआ है। भविष्य में ये नाम भले खो गए हैं, लेकिन इतिहास की अंधेरी दुनिया में आज भी जीवित है, बस उन्हें ढूंढने की जरूरत है। भीमा कोरेगांव के शूर योद्धाओं के पूर्वजों की निशानियां आज भी महाराष्ट्र के दक्कन घाटियों के पत्थरों पर स्पष्ट दिखती है। तो चलिए इसकी तलाश करते हैं। इस तलाश के लिए हमें 2000 साल पीछे जाना होगा, जब महाराष्ट्र की बौद्ध गुफाओं में नागवंशी अपना इतिहास पत्थरों पर लिख रहे थे। इन पत्थरों पर लिखे हुए शिलालेखों को समझने की जरूरत है। इन सारे शिलालेखों की भाषा प्राकृत और लिपि धम्म लिपि है। तो चलिए देखते हैं उन तमाम शिलालेखों को जिसमें ऐसा क्या लिखा है। पहला शिलालेख लोनावला स्थित कारला गुफा का है, जिसमें लिखा है गहतस महादेव नाकस मातु बाहिलाया दानम। इसका अर्थ हुआ कि महादेव नाग की माता बाहिलाया जो गृहिणी है उनके द्वारा दान। देखिए यहाँ पर महादेव नाग नाम आया है। कारला गुफा का एक और शिलालेख जिसमें लिखा है महारट्टिस गोतिपुत्तस अगिमितनाकस सिंहतबो दानम। इसका अर्थ हुआ कि महारथी गोतिपुत्र अगिमितनाक द्वारा सिंहस्तंभ का दान। देखिए यहाँ पर भी एक और नाम आया है अगिमितनाक। कारला गुफा का तीसरा और आखिरी शिलालेख जिसमें लिखा है धेनु काकटा उसबदत्त पुत्तस मितदेव नाकस थबोदानम। इसका अर्थ हुआ कि धेनु काकटा के निवासी उसब दत्त के पुत्र मितदेव नाग द्वारा स्तंभ का दान। यहाँ पर भी एक और नाकधारी मितदेव नाग का वर्णन आया है। तो चलिए देखते हैं एक और गुफा का शिलालेख। लोनावला स्थित बेडसे गुफा में शिलालेख है जिसमें लिखा है नासिकान अनदस सेटिस पुत्तस पुसनाकस दानम। इसका मतलब हुआ कि नासिक शहर के सेठ यानी व्यापारी अनद के पुत्र पुसनाक द्वारा दान। यहाँ पर भी पुसनाक ये नाम नोटिस करने जैसा है। लोनावला स्थित भाजे गुफा में भी एक शिलालेख है जिसमें लिखा है थेरानम भयंत अम्पिकी नाकानम थुपो। इसका मतलब हुआ कि महान स्थवीर बनते अम्पिकी नाग द्वारा स्तंभ दान। यहाँ पर अम्पिकी नाग नाम का वर्णन है। महाराष्ट्र के दक्षिण कोकण में मुरुड जंजीरा स्थित कुड़ा गुफाओं में एक नागधारी व्यापारी के दो शिलालेख हैं। पहले शिलालेख में लिखा है सेठी नो वसूल नाकस देय धम्म पोड़ी। इसका मतलब हुआ कि वसूलनाक नामक सेठ यानी व्यापारी द्वारा पानी की पोड़ी का धम्म दान। इसी कुड़ा गुफा में दूसरा शिलालेख है जिसमें लिखा है सेठी नो वसूलनाकस देय धम्म। इसका मतलब हुआ कि वसूलनाक नामक सेठ यानी व्यापारी द्वारा दान। अब ये शिलालेख गुफा पर लिखा है, इसीलिए इस बौद्ध गुफा का दान। यहाँ पर आप सेठ जैसे विशेष नाम को नोटिस कर सकते हैं। दरअसल हम आज किसी व्यापारी के लिए सम्मानार्थ इस्तेमाल होने वाले सेठ शब्द को गुजराती शब्द मानते हैं, लेकिन ये प्राचीन बौद्ध कालीन शब्द है। बौद्ध काल में व्यापारी को निगमस या सेठ कहा जाता था। व्यापारी को सेठ बोलने की परंपरा आज भी मुंबई के मूल निवासी आगरी कोली समुदाय में है। ये समुदाय मूलतः प्राचीन बौद्ध कालीन कोलीय गण से संबंधित है। पुणे के जुन्नर स्थित शिवनेरी गुफा में एक शिलालेख है जिसमें लिखा है थबुती नाकस पोड़िच देय धम्म। इसका अर्थ हुआ कि थबुती नाग द्वारा पानी के पोड़ी का धम्म दान। शिवनेरी गुफा का दूसरा शिलालेख जिसमें लिखा है वीरसे नाकस गहपति पमुगस धम्म नेगमस देय धम्म चेतीय घरो नियतो सब लोकाहित सुखाय। इसका अर्थ हुआ कि वीरसेनाक नामक मुख्य गृहस्थ और व्यापारी द्वारा सभी के कल्याण और प्रसन्नता के लिए चैत्य ग्रह का धम्मदान। इस गुफा में वीरसेनाक का नाम आया है। मुंबई के कानेरी गुफा नंबर 2 के शिलालेख में लिखा है नासिकाकस नाकनाकस सतदेय धम्म। इसका अर्थ हुआ कि नासिक के निवासी नाकनाक द्वारा भोजन ग्रह का धम्म दान। यहाँ पर नाकनाक का वर्णन है। कानेरी गुफा नंबर 15 के शिलालेख में लिखा है सिद्धम हिरणिकस धमनाकस भाया शिवपाली तानिकाया देय धम्म थेरान भयत धम्मपालनम थुब। इसका अर्थ हुआ कि धम्म पालक सुनार धम्मनाक की पत्नी शिवपाली तानिका द्वारा धम्म पालन के लिए स्तूप का धम्म दान। तो इस प्रकार यहाँ पर भी धम्मनाक का वर्णन है। तो चलिए आखिरी शिलालेख देखते हैं जो कानेरी गुफा नंबर 73 का शिलालेख है, और इस शिलालेख में लिखा है सिदम कलियनकस नेगमस
गोलनाक पुत्तस नेगमस इसीपालस। आगे की लाइनें मैं स्किप कर देता हूं तो इसका अर्थ हुआ कल्याण के व्यापारी धम्मपाल, गोलनाक के पुत्र व्यापारी इसीपाल। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्राचीन दक्कन घाटियों की गुफा में लिखे हुए नाम जैसे महादेवनाक, अगिमितनाक, मितदेवनाक, पुसनाक, अंपिकीनाक, वसूलनाक, थबूतीनाक, वीरसेनाक, नाकनाक, धमनाक, गोलनाक। नासिक की त्रिरश्मी बौद्ध गुफाओं में भी चालीसाल नाक, रामनाक जैसे नामों का वर्णन है और इसी के साथ पौनी में जो पुरातत्विक अवशेष मिले हैं उसमें भी नदनाक, बलनाक जैसे नामों का ही वर्णन है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भीमा कोरेगांव के वीर उस प्राचीन बौद्ध विरासत के ही वंशज है। ये तो कहानी का केवल एक हिस्सा है, इसीलिए हमें नाकधारियों के इतिहास के दूसरे पहलू पर भी ध्यान देना होगा। मतलब साफ है कि हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, जैसे कि ये लोग अपने नाम के आगे नाक की उपाधि क्यों लगाते थे, क्या है नाक, आखिर नाक का अर्थ क्या है। इसके लिए हमें ईसा पूर्व दूसरी सदी में जाना होगा। उस समय नाकधारी वीरों के पूर्वज अपने नाम में नाग लिखते थे। अब समझ गए आप, जो लोग अपने नाम के आगे नाग की उपाधि लगाते हैं ये मूलतः नागवंशीय लोग हैं जिनके नाम के आगे नाग की उपाधि होती है और इसी का अपभ्रंश होकर नाक हो गया। नागवंशीय राजाओं के अनेक सबूत भारतीय पुरातात्विक खुदाई में मिले हैं जो इन नागों को मूलतः बौद्ध होने की साक्ष्य देते हैं। तो चलिए इसे भी डिटेल में देखते हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती स्तूप पर उत्कीर्ण ये शिल्पांकन है जिसमें बुद्ध के प्रतीक स्तूप के इर्द गिर्द लिपटे नाग दिख रहे हैं और पंचमुखी नाग के मुकुटधारी नागवंशीय राजा शेषनाग है। ईसा पूर्व 110 में शेषनाग ने नागवंश की नींव डाली थी और विदिशा उनकी राजधानी थी। शेषनाग का मूल नाम शेषदात नाग था। इसकी पुष्टि ब्रिटिश म्यूजियम में रखे सिक्कों से भी होती है। शेषनाग की विरासत उनके बाद अन्य चार नागवंशीय राजाओं ने संभाली। इस प्रकार शेषनाग वंश में कुल 5 राजाओं ने 100 सालों तक शासन किया। इसीलिए इन्हीं 5 नाग राजाओं को पंचमुखी नाग के रूप में अमरावती स्तूप पर दर्शाया गया है। शेषनाग सर्वशक्तिमान, बलशाली, बड़े साम्राज्य के राजा थे, इसीलिए ऐसी मान्यता बन गई कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है। ऐसे अनेक नागवंशीय सम्राटों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर राज्य किया है। उन्हीं में से एक शिल्पांकन भरूच स्तूप पर बना है जिसमें बोधि वृक्ष के नीचे खाली सिंहासन के समक्ष नागराजा घुटनों के बल झुके हुए वंदना की मुद्रा में है। इस शिल्पांकन के शिलालेख में नागराजा एरापत का नाम लिखा है। भरूच स्तूप पर एक और राजा का शिल्प उत्कीर्ण है और शिलालेख में चकवाको नागराज यानी चकवाक नागराज का नाम लिखा है। इन सारे शिल्पांकन और शिलालेख से जाहिर है कि भारत में अनेक नागवंशीय राजा थे और अपना वंश दर्शाने के लिए सिर पर पंचमुखी नागों का मुकुट धारण करते थे। ऐसे अनेक शिल्प संपूर्ण भारत की बौद्ध गुफाओं में आज भी दिखते हैं और इन नागवंशीय राजाओं ने बौद्ध धम्म को राजाश्रय दिया था, जो इस शिल्पांकन से स्पष्ट होता है। नाग राजा ने अपने हाथों में पद्म पदक पकड़ा है जिस पर तथागत गौतम बुद्ध विराजमान है। नागवंशीय राजे बौद्ध धम्म के संरक्षक थे, इसीलिए ऐसे अनेक बौद्ध प्रतिमाओं के सिर पर नागों की टोटम दिखाई देती है।